गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में से बात करने वाला हूँ, अभी जो एक एक्सीडेंट हुआ था किसी ट्रेन का, जिसका पहिया टूट गया था और वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या बहुत सारी बातें हुई थी। तो आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि पूरी कहानी क्या हुई थी। एक कंप्लीट स्टोरी मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, क्या सिचुएशन रही थी और क्या रेलवे के ऊपर अपनी बात रख रहा है। इन सब बातों को लेकर चर्चा आज हम करने वाले हैं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारी लेटेस्ट सारी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों, बात है यहाँ पे गोरखपुर यशवंतपुर एक्सप्रेस की, जो कि ट्रेन LHB 5 है। नागपुर से लगभग 40 किलोमीटर पहले ये ट्रेन चल रही थी, कहीं पे रुकी थी, उसके बाद वहां से इनने चलना शुरू करा 40 किलोमीटर पहले नागपुर से महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, वहां से इनने चलना शुरू करा एक हॉल्ट लेने के बाद। जैसी ट्रेन चलती है, थोड़ी सी दूर चलने के बाद अचानक से ट्रेन के अंदर एक बड़ी अजीब सी आवाज आई, मतलब काफी तेज सी घुर्रम टाइप की आवाज आई। कोच था A2 कोच के अंदर ये आवाज आती है और अचानक से ट्रेन का जो फर्श होता है, मतलब जहां पे हम बैठे होते हैं, जो नीचे का फर्श होता है, वहां से उसे तोड़ के एक पहिया निकल आया ऊपर को। मैं आपको अंदर की स्टोरी बताऊं ट्रेन के अंदर क्या हो रहा है, फिर अभी आगे ही बताऊंगा। सो उसके अंदर एक पहिया निकल आया और उस बर्थ के ऊपर जो एक लेडी थी, जो कि मतलब लेटी थी या बैठी थी, मे बी एज द केस में भी, उनके हाथ में काफी हैवी इंजरी हो गई थी उस पहिये के निकल के आने से। उसके बाद वो पहिया वापसी बाहरी चला गया। तो हुआ बेसिकली क्या था, ये ट्रेन नॉर्मली चल रही थी, उसका आधा पहिया टूटता है, वो ऊपर जाता है ट्रेन के अंदर, इंजर करता है, फिर बाहर आ जाता है। अब जो लोको पायलट होता है वो बहुत ही तेज आवाज सुनता है कि कुछ अजीब सी आवाज आई है, तो इस वजह से वो हाथ के हाथ ब्रेक लगाता है। अब जैसे ही डब्बे में ये सब हुआ था, तो फटाफट से कुछ लोगों ने ट्रेन के डब्बे में से भी चेन पुल कर दिया था। अब इन दोनों ही कारणों की वजह से, मतलब एक तो चेन पुल हुआ है, दूसरा लोको पायलट ने ब्रेक लगाई है, इस वजह से ट्रेन जो है बहुत जल्दी कंट्रोल में आ गई, नहीं तो अदरवाइज पूरी ट्रेन ये पलट भी सकती थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्रेन का जो है पूरा बैलेंस ही बिगड़ गया था। अब हुआ क्या था कि पहिया पूरा नहीं हटा था, पहिया भी आधा हटा था, तो इस वजह से वो पूरी ट्रेन को ऐसे ऐसे करके एक वाइब्रेशन देना है, एबनॉर्मल वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा था वो, और इस वजह से पूरी ट्रेन पलट भी सकती थी। तो जैसे ही इन लोगों ने चेन पुल करा और वहां के जो RPF था वो आया, उन्होंने भी देखा कि ट्रेन कुछ किलोमीटर तो चल चुकी थी बकायदा अपने वो आधे व्हील के ऊपर ही। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ फोटोज वगैरह भी दिखा रहा हूँ उसके पहिए टूटे वगैरह की, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि एक लेडी इंजर्ड हो गई थी। अब रेलवे यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई ये जो व्हील है ये टूटा है, इसके ऊपर हम हाई लेवल की इंक्वायरी बिठाएंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। बाकी वहां का जो टेक्निकल स्टाफ है वो ये कह रहा है कि इंडिया में जितने भी LHB कोच मैन्युफैक्चर होते हैं उसके व्हील्स इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होते हैं, वो सारे ही व्हील्स जो है वो आउट ऑफ इंडिया, मतलब कि यूरोप से इंपोर्ट करता है रेलवेज, और उसके बाद हम लोग यहाँ की अपनी ट्रेन्स में उनको लगाते हैं। बात नंबर एक ही है। दूसरी बात कि एक ऐसा भी लग रहा है देखने में कि ट्रेन के जो व्हील्स है उनको ओवर यूज करा गया है, मतलब एक्चुअली रेलवे में प्रोटोकॉल होता है POH का, यानी कि पीरियोडिक ओवरहॉल का, मतलब कि आप लेमन लैंग्वेज में कह सकते हो समय समय पर उसकी मेंटेनेंस या मरम्मत करते हैं ना। तो अगर आप वो नहीं करोगे तो भी आपको इस टाइप की कोई सिचुएशन देखने को बड़े आराम से मिल सकती है। और ये सिचुएशन प्लस बफर टूटने की सिचुएशन, ये बहुत कॉमन सिचुएशन है अगर आप ट्रेन की मेंटेनेंस ना हो। हालांकि रेलवे यहाँ पे कह रहा है कि पहिया टूटना एक रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट चांस है, क्योंकि ऐसा होना अपने आप में बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो पहिया है, मतलब कोई भी ट्रेन का व्हील है, वो कास्टेड आयरन से बनाया जाता है। कास्टेड आयरन का मतलब कि वो लोहे के सांचे से नहीं बनता, वो अपने आप में पूरे लोहे का बॉक्स सॉलिड होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो भी बातें आपको जाननी थी वो आपको समझ में आ गई होंगी कि इस ट्रेन के अंदर क्या क्या एग्जैक्टली हुआ था और क्यों ये एक्सीडेंट हुआ था। कोच नंबर था यहाँ पे A2। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना इस वीडियो को, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये शुभम कुमार साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।